पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास विवाद सुलझता दिख रहा है। भारत और चीन के बीच शनिवार को सैन्य स्तरीय बातचीत सकारात्मक रही है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों देश शांतिपूर्ण ढंग से समस्या के समाधान के लिए सहमत हो गए हैं। साथ ही कहा गया है कि दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तरीय बातचीत जारी रहेगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच अच्छे माहौल में बातचीत हुई। बयान में कहा गया, दोनों देश कई द्विपक्षीय समझौतों के तहत सीमा के हालात को शांत करने की कोशिश करेंगे। द्विपक्षीय रिश्तों और बॉर्डर इलाकों के विकास के लिए शांति जरूरी है। दोनों पक्ष समस्या को सुलझाने और सीमा क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने के लिए आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने यह भी कहा कि इस साल दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ है। ऐसे में इस बात पर सहमति जताई गई कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए आगे भी बातचीत जारी रहेगी। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।